तुमने बताया नहीं हवन कैसे हुआ, ठीक हुआ ना? हाँ जी। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है सरस्वती। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सावित्री। सावित्री बहन कैसी रही आपकी यात्रा, ठीक से दर्शन हुए ना? जी। घर में एक कमी सी थी, तुम्हारे आने से पूरी हो गई। जी सुनिए, दुर्गा की तबीयत कैसी है? अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। लेकिन पहले से बेहतर है। सावित्री बहन आप लोग यात्रा से आए हैं, थक गए होंगे। माधव काका, सावित्री बहन आई है, जरा जल्दी नाश्ता बनाओ। नहीं मेनका बहन, मुझे दुर्गा से मिलना है, उसे पूजा का प्रसाद भी देना है। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? माँ अब आप आ गई है ना, तो बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। पता है दुर्गा, माँ को वहां तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। माँ दुर्गा बिल्कुल ठीक है। लो प्रसाद ले, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। अरे सरस्वती कहीं नजर नहीं आ रही है? अरे हाँ, कहाँ गई सरस्वती? दीदी मुझे जूस देने आई थी, शायद कहीं जा रही थी वो। मैंने पूछा भी पर वो टाल गई। इतनी रात गए अकेली कहाँ चली गई? क्षिति जरा फोन करके देखो तो। सावित्री पूजा कैसे रही? दुर्गा के सामने अपशकुन की बात कैसे बताओ? अच्छे रही बा। मेनका अब सावित्री वापस आ गई है, तो घर की चाबियां और जिम्मेदारी उसे वापस कर दो। हेलो सरस्वती। क्षितिज, क्षितिज मुझे बचा लो। क्षितिज यहाँ आग लगी है। क्षितिज आग लगी है? सरस्वती कहाँ हो तुम? मार डालेगा। सरस्वती, सरस्वती कहाँ हो तुम? मैं पुराने घर में हूँ अपने। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम अभी आ रहे हैं पुराने घर पे। चलो चलो। सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती कहाँ हो तुम? कितने सरस्वती क्या हुआ? क्षितिज वो मुझे मारना चाहता है, उसने मुझे बंद कर दिया था। क्षितिज
उसने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए थे, उसने धुआं छोड़ दिया। कौन? वो मुझे चला के मार डालना चाहता है। क्षति तुम सब कुछ बंद कर दिया था, मुझे बंद कर दिया था, किसी से मुझे मार डालेगा। सरस्वती कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। कैसी बातें कर रही हो बेटी? देखो ये इसी दरवाजे से तो हम आए हैं। ये खिड़कियां बंद नहीं, खिड़कियां भी तो खुली है बेटी, सारी खिड़कियां भी तो खुली है। ये क्या है? ये देखो सारी खिड़कियां खुली है बेटी। नहीं बापू जी सब बंद था, चला के पार डालना चाहता है बापू जी। उसने नोट लिखे बापू जी। सरस्वती कोई नहीं है। उसने बाबूजी नोट लिखी थी, उसमें लिखा था कि वो मुझे जान से मार डालेगा। उसने लिखा था सरस्वती कोई नहीं है यहाँ। सरस्वती धुआं वह नहीं है, कचरा जलने का धुआं है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं है करो, वो मुझे जान से मार। कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। बस करो सरस्वती। ऐसी बातें मत सोचो बेटी, वरना किसी दिन पागल हो जाओगी। यही तो मैं चाहता था। देखा, मेरे बदले की शुरुआत हो चुकी है सरस्वती, और अब तुम्हें पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नहीं, अब तुम्हारा फ्यूचर मेंटल असाइलम में गुजरेगा, और तब मेरा बदला पूरा होगा। शांत हो जा सरस्वती, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पागल नहीं हूँ माँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं होना चाहती। सरस्वती मुझे बचा लो माँ। कुछ नहीं होगा सरस्वती, तुम अपने दिमाग से भविष्य को निकाल दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मैं पागल नहीं हूँ माँ। तू पागल नहीं है, मैं जानती हूँ, मेरी अच्छी बेटी है ना तू। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बा, जय श्री कृष्ण। बा, जय श्री कृष्ण। बा ये चाबियां। अब तो सावित्री बहन वापस आ गई है और इन पे उनका अधिकार है। बा लीजिए। लेकिन बा, मुझे बहुत दिनों से महसूस हो रहा है, जब से सावित्री बहन वापस लौट कर आई है तब से बहुत परेशान है। पहले तो दुर्गा की बीमारी को लेकर, और अभी सरस्वती के अजीब व्यवहार को लेकर। मुझे लगता है बा कि कुछ दिनों के लिए हमें सावित्री बहन को आराम करने देना चाहिए। आप क्या कहती हैं बा? Thank you.
मेनका, तू ठीक कह रही है। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो तो कुछ दिन और ये जिम्मेदारी तुम संभालो। लेकिन जब तक दुर्गा की तबीयत ठीक ना हो जाए इसे तुम अपने पास रखो। ठीक है बा, जैसा आप ठीक समझे। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। ये नियति इतनी रात को बच्चों के साथ यहां क्या कर रही है? नियति, भैया हमारी बस मिस हो गई। देखो बेटा, अगर आपकी दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आप सबको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकता हूं। मैं देखता हूं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, बीते को याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं, दर्द में भी ये लम्ब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, दर्द में भी ये लम्ब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें के पीठ पर ये दिल नहीं है तो मैं मान लूंगी कि वो भविष्य नहीं है।
आप कह रहे कि आप भविष्य नहीं है, तो फिर आप अपना बर्थमार्क क्यों नहीं दिखाते? प्यार हुआ था, प्रीति नाम था उसका। बताइए ना, कैसी है ये ड्रेस? कैसी लग रही हूं मैं? बिल्कुल दुल्हन ना? मेरे से क्यों शर्मा रही? मुझे बांसी खीर बहुत अच्छी लगती है। से पहले ये तो जान ही चुकी होगी कि कौन तुमसे इतना प्यार निभा सकता है। ये मेरा वहम नहीं, मैं जानती हूं कि तुम रणवीर नहीं। कोई मेरा यकीन करे या ना, पर मैं इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती। अब तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सच्चाई को सामने ला कर ही रहूंगी। सिर्फ 15 दिन बाकी है, उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी तस्वीर पर हाथ चढ़ाऊंगा। दुर्गा, ये स्लो पॉइजन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसकी सिर्फ 15 डोज बाकी है। और 15 डोज मतलब 15 दिन, तुम्हारी जिंदगी खत्म। सरस्वती, तुम अगर तुम सोचती हो कि दुर्गा को मारने के बाद यह खेल खत्म हो जाएगा, तो नहीं, हरगिज नहीं। दुर्गा को मारने के बाद तो मेरा खेल शुरू होगा। तुम्हारे खानदान के एक एक इंसान को मौत की नींद सुला दूंगा मैं। बहुत बुरी मौत दूंगा तुम्हें, बहुत बुरी मौत। दुर्गा को मारने के बाद अगर तुम्हें मैंने मेंटल असालत नहीं पहुंचाया, मेरा नाम भी भविष्य कपाटिया नहीं। मेरा वादा है तुमसे।
वादा 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 वादा।